क्वेश्चन है, इन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल, इफ एंगल सी ई ए इज इक्वल टू 30 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, नाउ तो दिस इज योर फिगर, इन दैट दे हैव गिवन यू एंगल ई दैट इज 30 डिग्री, वी हैव टू फाइंड आउट एंगल बी दैट इज एक्स, सेंटर में आपका वाई है एंड एंगल डी इज जेड। ठीक है, तो आपको ये तीनों फाइंड आउट करने हैं। नाउ तो सबसे पहले इसने देखो देख क्या दे रखा है, ई जो दे रखा है वहीं से शुरू करना है। तो इसने 30 दिया है, तो 30 एंगल वाले को अगर आप देखोगे तो ये कौन सा आर्क को कवर कर रहा है आपके, इट कवर्स एन आर्क दिस, है ना, ए से लेके सी तक, है ना। नाउ अब ये वाले को देखो, डी को, है ना, तो डी को अगर आप देखोगे तो इट आल्सो कवर्स द सेम आर्क, तो दैट मींस आपका क्या हो गया, एंगल ई इज इक्वल टू एंगल डी, तो वी कैन राइट इट एज एंगल ई इज इक्वल टू एंगल डी, दैट इज इक्वल टू 30 डिग्रीज एज इट कवर्स द सेम आर्क। है ना, सेम आर्क लेंथ दोनों का देख रहा है, तो आपका z इज योर 30 डिग्रीज नाउ, तो वी कैन से नाउ z इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, नाउ अब आपको क्या करना है, देखो अगर दिस इज योर सेंटर, है ना, अब देखो तो z इज दिस एंड 30 इज हियर, दोनों भी आपके 30 है। नाउ आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो आप दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं, तो हम ये वाला ले लेते हैं, तो दैट इज योर ई ए बी सी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है ना, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक प्रॉपर्टी होती है, क्या है हमारी, वो द सम ऑफ द अपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो वी विल राइट सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो अब आपका क्या हो गया, एंगल ई प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ई प्लस एंगल बी दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल ई इज 30 प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ तो एंगल बी को वी कैन राइट इट है एक्स, है ना, तो हमारा हो गया एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 30, दैट इज इक्वल टू 150 डिग्री। ठीक है ना, तो दिस इज योर 150 डिग्री। नाउ अब आपको निकालना है वाई, कैसे निकालेंगे, तो हमको ये पता है कि सेंटर एंगल इज ऑलवेज डबल देन द साइड एंगल्स, है ना। नाउ तो वी कैन से, तो अब आपका क्या होगा, देखो इन द सेम डायरेक्शन, तो ये देखो आपका कौन से डायरेक्शन में है, ये डायरेक्शन, तो सेंटर में आपको सेम डायरेक्शन में आपको बनाना पड़ेगा, तो दैट मींस फ्रॉम हियर टू हियर, है ना। तो अब ये क्या हो गया आपका, रिफ्लेक्स ऑफ वाई। ठीक है, नाउ तो नाउ रिफ्लेक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू क्या होगा आपका, टू टाइम्स द एक्स, दैट मीन्स साइड एंगल दैट इज योर एक्स, तो आपका क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू टू इन टू एक्स इज 150,
That is equal to 300 degree. तो reflex of y is 300 degree. तो y क्या हो गया आपका, y आपका क्या हो गया, now total angle is 360 degree minus reflex of y. 360 degree minus reflex of y. तो आपका आ गया 360 degree minus 300 degree. That is equal to 60 degree. तो y is your 60 degree now. ठीक है, तो इस टाइप से आपको निकालना है. देखो y भी निकल गया हमारा, x भी निकल गया एंड z भी निकल गया. ठीक है,